हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली एसयूवी कार्स। तो एसयूवी कार्स के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है आपको इससे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि आपको डिसीजन लेने में आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। दोस्तों, हम एक्चुअली बात ये करेंगे कि आपको एसयूवी में कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए। तो एसयूवी में अभी दो कैटेगरीज आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मिल जाती हैं। एक आती है पेट्रोल कैटेगरी, दूसरी आती है डीजल कैटेगरी। तो कुछ ब्रांड्स ने जो पेट्रोल एसयूवी है वही कंटिन्यू किया है, जो डीजल वाला वेरिएंट था बंद कर दिया है। तो अभी आपके सामने दो वेरिएंट हैं, पेट्रोल है डीजल है। दोनों के कुछ अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने कुछ नुकसान हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि आपके लिए बेहतर कौन सा होगा, आपको डीजल पर जाना चाहिए या फिर आपको पेट्रोल पर जाना चाहिए। तो अभी जो करंट सिनेरियो है, जो कुछ अभी चल रहा है, वो सब देख के तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्रिफ़र कीजिए कि आप डीजल पे ही जाइए। अब आप लोग बोलेंगे कि डीजल पे क्यों जाएं, डीजल पे जाने के बहुत सारे नुकसान हैं, डीजल गाड़ियों की सर्विस कॉस्ट महंगी आती है, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो डीजल कार्स की जो लाइफ है वो 10 साल ही है, 10 ईयर्स के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है डीजल कार पे ना जाने का। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में आप नहीं रहते हैं, तो ये फैक्टर आपके लिए वैलिड नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिसकी वजह से मैं आपको डीजल कार लेने पे सजेस्ट करूँगा, स्पेशली इन केस ऑफ एसयूवीज। तो अगर दोस्तों बात करें क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो वन बाई वन मैं बात करता हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो फ्रेंड्स है वो है परफॉर्मेंस का। तो डीजल कार की परफॉर्मेंस पेट्रोल कार से, स्पेशली इन केस ऑफ एसयूवी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है कि डीजल कार में आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर एक पर्टिकुलर आप किस सेगमेंट की बात करें, अगर मान लीजिए आप अभी जो काफ़ी अच्छा सेल हो रही है, अगर मैं हुंडई की क्रेटा की बात करता हूँ, तो हुंडई क्रेटा में अप्रॉक्स 150 NM का टॉर्क आपको मिलता है। और अगर आप इसी को डीजल में लेके जाते हैं तो डीजल में अप्रॉक्स आपको 250 NM का टॉर्क मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट इसका 70-80% ज़्यादा होता है। तो जिस गाड़ी में जितना ज़्यादा टॉर्क होता है, उस गाड़ी की पुलिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ कि जब भी आप किसी चढ़ाई पर होते हैं, आप अगर किसी ऐसे एरिया में जहाँ आप थोड़ा चढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल कार में आपको क्लच छोड़ने के साथ साथ आपको एक्सीलेटर भी देना पड़ता है, अदरवाइज आपकी गाड़ी नहीं चढ़ेगी, बंद हो जाएगी। डीजल कार्स में आप क्लच छोड़ेंगे तो क्लच के भरोसे भी आपकी गाड़ी चढ़ जाती है, आपको एक्सीलेटर देना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके इंजन में पुलिंग पावर ज़्यादा होती है। तो ये पुलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। जब भी आप किसी हिली एरिया पे जाते हो तो आपको डीजल कार चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर्वी रोड्स होती हैं, स्टीप चढ़ाई होती है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप क्लच से ही आपकी गाड़ी आराम से चढ़ेगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप हिली एरियाज़ पे गाड़ी चलाने वाले हो तो डेफिनेटली ये जो पुलिंग पावर है काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ की सड़कें थोड़ा गड्ढे वाली हैं, उबड़ खाबड़ हैं, तो वहाँ पर भी पुलिंग पावर काफ़ी काम आती है। गड्ढों में आपकी गाड़ी जाती है तो वहाँ से निकालने के लिए आपको बार बार एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना पड़ता है, आपकी गाड़ी अपने आप उस पर धीरे धीरे निकल जाती है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो पुलिंग पावर के, जिससे आपकी गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और आपको काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है डीजल एसयूवीज़ में। दूसरा, जो डीजल फ्यूल होता है वो काफ़ी हल्का होता है और गाड़ी के इंजन को भी लुब्रिकेट करता है, उससे गाड़ी के इंजन की लाइफ भी बढ़ती है। पेट्रोल कार के इंजन भी की लाइफ भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं पेट्रोल कार के इंजन की लाइफ ख़राब होती है, लेकिन डीजल कार की जो इंजन की लाइफ है कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा आस्पेक्ट ये भी है कि अगर आप डीजल कार का सर्विस कॉस्ट देखें तो पेट्रोल कार से ज़्यादा आता है, क्योंकि डीजल कार का जो इंजन होता है उसका थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, तो उसमें आपको जो ऑयल होता है ज़्यादा डालना पड़ता है, उसके अलावा इसमें जो ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, वो सब भी थोड़े महंगे आपको पड़ते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि आपको जो सर्विस कॉस्ट होती है वो ज़्यादा उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको साल में एक या दो बार ही मोस्टली सर्विस कराना पड़ता है अगर आप एक एवरेज और डिस्टेंस कवर करते हैं। लेकिन जो बात आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, वो है आपका फ्यूल इकोनॉमी। तो फ्यूल इकोनॉमी का एक बार मैं डिटेल में आपसे बात करता हूँ कि मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ आपको डीजल कार पे जाना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूल इकोनॉमी होती है फ्रेंड्स डीजल कार की, वो हमेशा आप देखेंगे अगर आप सेम वेरियंट ले रहे हैं किसी कार का, सेम वेरियंट पर आप अगर जाएँगे तो पेट्रोल कार से 30-40% डीजल में आपको फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा मिलती है।
पेट्रोल कार्स, अगर आप एसयूवीज देख रहे हैं तो एसयूवी में आप अक्सर देखिए तो पेट्रोल कार्स का जो इकोनॉमी निकल के आती है पर लीटर अप्रॉक्स 10 से 12 के बीच में निकल के आती है नॉर्मल सिटी कंडीशंस में। लेकिन अगर आप डीजल कार्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आराम से आपको 15-16 तक आराम से निकाल के दे देती हैं। 14-16 के बीच में डीजल कार्स का आ जाता है, मतलब 30-40% आपको ज़्यादा मिलता है। एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, डीजल आपको पता ही है कि पेट्रोल से मिलता सस्ता होता है। पेट्रोल की प्राइसेस आपको पता है अभी 100+ चल रहा है, कहीं पे 105 है, कहीं पे 100 है, 102 है, ऐसे है, 100+ ही है ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में। तो अगर आपका गाड़ी का माइलेज 10 KMPL है और आप पेट्रोल से चल रहे हैं तो आपको 1 किलोमीटर का 10 रुपये पे करना पड़ रहा है। वहीं अगर आप डीजल से चलते हैं और आपकी डीजल गाड़ी अगर आपको 15 का माइलेज देती है और आप 93-94 में अगर आप डीजल भरवाते हो तो अप्रॉक्स 6-6.5 रुपये, 6-6.5 रुपीज़ पर किलोमीटर आप पे कर रहे हो। तो डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स 4 रुपीज़ पर किलोमीटर का। हर 1 किलोमीटर आप जब चलते हो तो आप 4 रुपये बचाते हो। अगर आप पर डे की आपकी रनिंग मान लेते हैं, लमसम आपका 30 से 40 किलोमीटर है, महीने में अगर आप 1000 किलोमीटर चलते हैं हिसाब से, तो टोटल आपने कितना बचा लिया? 4000 महीने का, साल का आपने 50,000 बचा लिया। अगर आप गाड़ी आप 8-10 साल चलाते हो तो आप आराम से 5 लाख रुपए इसमें बचा लोगे, एक लमसम इतना आप बचा ही लोगे। अब मुद्दा आता है कि डीजल में आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। सही बात है, अगर आप डीजल कार लेते हो तो आपको पेट्रोल कार से ज़्यादा पैसे भी करने पड़ते हैं। किसी किसी गाड़ी में 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस होता है, किसी किसी में थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी आप देखें तो डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है। कुछ ब्रांड्स में डिफरेंस है 50,000 के आसपास हो गया है। तो अगर आप कोई ऐसा मॉडल चूज करते हैं जिसमें 50-60,000 का डिफरेंस है डीजल और पेट्रोल के बीच में, तो डीजल पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उतना तो आप 1 साल में ही सेव कर लोगे। अगर आप 4 रुपीज़ किलोमीटर जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो तो 1 साल में आप 50-60 हज़ार रुपये आराम से सेव कर लोगे। तो जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो पैसे आपके निकल जाएंगे। हाँ, अगर आप डेली NCR में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ 10 ईयर्स के लिए वैलिडिटी है डीजल कार्स की, तो डेफिनेटली वो थोड़ा एक सोचने वाला पॉइंट है। लेकिन अगर आप डेली NCR के बाहर रहते हैं जहाँ पे डीजल कार्स भी 15 ईयर्स तक आप चला सकते हो, तो डेफिनेटली आपको डीजल कार पे ही जाना चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा, स्पेशली इन केस ऑफ SUVs। आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेकर के गवर्नमेंट सख्त हो गई है और जो इनके इमिशन नॉर्म्स हैं इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा और डीजल कार्स को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। डेली NCR में इनकी वैलिडिटी 10 ईयर्स कर दी गई है। इसीलिए कुछ ब्रांड्स जो हैं, मारुति आप देख लीजिए या फिर कुछ अदर ब्रांड्स भी अपनी जो डीजल SUVs थी उसको डिसकंटिन्यू कर रही है, पेट्रोल में ही जा रही है, क्योंकि कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती है, इसलिए वो पेट्रोल में SUVs को ला रही हैं। लेकिन जो एक्चुअल SUVs आती थी पहले वो डीजल में ही आती थी। और आप ऐसे भी देखिए कि जितनी पहले बड़ी गाड़ियाँ आती थी, आप बसेस ले लीजिए, ट्रक्स ले लीजिए, सारी डीजल में आती थी, क्योंकि डीजल में पावर ज़्यादा होती है और SUVs का मतलब होता था पावर। वो बल्की होती थी, हैवियर होती थी, उनमें पावर चाहिए होता था। छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं उनको पिकअप चाहिए होता है। पेट्रोल में हमेशा आपको पिकअप ज़्यादा मिलेगा, डीजल में पिकअप आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। पेट्रोल क्विक होता है लेकिन उसमें पावर नहीं होती है, टॉर्क कम होता है, तो डीजल में टॉर्क ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस दोनों का मेन है। तो अगर आप SUV लेने के लिए सोच रहे हो तो एक बार ये पॉइंट भी आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा पाओ ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।